हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के संग में एक कुछ क्वेश्चंस की क्वेरी लेकर के आई हूँ कि जैसे कि अभी 11th हम लोगों ने पास आउट किया, तो ये 12th के लिए क्वेरी है कि अब उन लोगों को 12th का CBSE पेंटिंग का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 11th में आप लोगों ने जैसे कि 20 शीट्स को प्रिपेयर करा था अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए, ऐसे ही अब आपको सेम एस 20 शीट्स को फिर प्रिपेयर करना है, जिसमें आपका मस्ट 5 शीट्स होंगी कंपोजिशन एंड 5 शीट्स होंगी स्टिल लाइफ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि वाटर कलर मीडियम आपको यूज़ करना होगा। स्टिल लाइफ में आपका कहाँ पर आएगा, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। बट आपकी 10 शीट इसी चीज़ की मस्ट होंगी जो कि CBSE नॉर्म्स में आपको मानी जाती हैं कि 5 स्टिल लाइफ एंड 5 कंपोजिशन। 10 शीट्स में आप लोग अपनी अदर पेंटिंग्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मधुबनी कर सकते हैं, वली कर सकते हैं, पत्ता चित्र कर सकते हैं, गोंद आर्ट कर सकते हैं, और जो भी अगर आपको लगता है कि मॉडर्न आर्ट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं तो इट्स अप टू यू। वो 10 शीट्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि CBSE 20 शीट्स मांगती है। बट अगर हमारा पोर्टफोलियो अच्छा होगा उतने अच्छे हमारे मार्क्स होंगे, उतने अच्छे हमारे मार्क्स होंगे उतना अच्छा हमारा सुंदर पोर्टफोलियो होगा। तो इस चीज़ के लिए CBSE में 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है कि अपने कैसे पोर्टफोलियो को मेंटेन करके चलना है। अगर आप स्टार्टिंग से अपने पोर्टफोलियो की शीट्स को मेंटेन करके चलेंगे तो आपके लिए बेनिफिट यहाँ पर ये आ जाएगा कि आपको लास्ट में जाके प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इन्हीं टिप्स के साथ मैं आगे मिलती रहूँगी। गुड बाय ऑल ऑफ यू, बाय स्टूडेंट्स, गुड लक।